दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा बातें होंगी, और जितने ज़्यादा संगठन होंगे उतने ज़्यादा डिमांड, कंट्रोवर्सी और राइट के लिए फाइट होगी। जी हाँ, ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि हर कोई संगठन, पार्टी अपने अपने डिमांड आए दिन लाते रहते हैं। भारत देश में आइडियाज़ देने वाले लोगों की कमी नहीं है, कमी है तो बस उन आइडियाज़ को आकार देने वालों की। दोस्तों, एनआरसी को लेकर असम की एक प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन प्रवाजन विरोधी मंच के कन्वेनर ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या असम में कोई बांग्लादेशी फिर नहीं आएगा? आइए वीडियो में हम देखते हैं कि क्या है उनके उपाय फॉरेनर्स निकालने का। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हम लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रेंडिंग न्यूज़, हर तरह के ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियोस टाइम पर मिल जाए। प्रवाजन विरोधी मंच के कन्वेनर श्री उपमन्यु हजारिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 1951 एनआरसी को बेस करके असम में लैंड रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि असम एकॉर्ड के क्लोज 6 में लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ असम को ऐड किया जाए। उनके हिसाब से एनआरसी अकेले असम के लोगों को माइनॉरिटी होने से बचा नहीं सकता। एनआरसी फाइनल लिस्ट में कुछ ही लोग बाहर रहेंगे जिससे एनआरसी सक्सेसफुल नहीं होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में सिर्फ जमीन के लालच से प्रवेश करते हैं। फॉरेस्ट लैंड जो कि 17 लाख हेक्टर्स था, उसमें से 4 लाख हेक्टर्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जिस प्रकार जमीन को सिर्फ इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी लोगों के लिए रिजर्व रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार असम में भी होना चाहिए। लैंड रिजर्वेशन को 1951 एनआरसी के बेसिस में किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी को रोका जा सकता है या निकाला जा सकता है देश से। दोस्तों, ये तो उपमन्यु हजारिका के अपने विचार थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आप नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों के जैसे असम में भी लैंड रिजर्वेशन होना चाहिए? क्या ऐसे करने से बांग्लादेशी चले जाएंगे या नहीं आएंगे भारत में? आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन प्लीज़ बताइए। और हाँ, आइडियाज़ हो तो ज़रूर शेयर करें। क्या है ना कि कभी कभी फ्री का एडवाइस अच्छा काम कर जाता है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ रीज़न बता कर जाइए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।